तो दोस्तों बिग बॉस के अंदर का जो माहौल है कहीं ना कहीं तक गर्म हो चुका है और जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है कहीं ना कहीं तक उस प्रक्रिया को लेकर उनके पसीने छूट रहे हैं, कई लोगों को रोना आ रहा है। पर्सन की बात की जाए तो वीर शौरी ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया है। उन नॉमिनेट पर्सन में है कटारिया, इसके बाद है विशाल, इसके बाद है शिवानी। ये 3 लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया है। लेकिन जैसे कि बिग बॉस ने अंदर ही घर के अंदर के लोगों को ये प्रिविलेज दिया कहीं ना कहीं तक वो वोटिंग के आधार पर डिसाइड करें कि इन लोगों को घर में रखेंगे या घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन भाई आज बिग बॉस ने वोटिंग लाइन ओपन कर दी है, सब लोग जाकर अपने अपने जो उनका पसंदीदा पार्टिसिपेटर है तो उसको जाकर वोट कर सकते हैं, चाहे वो शिवानी कुमारी हो, विशाल हो या फिर कटारिया हो। दोस्तों तो दोस्तों एक बहुत अहम टास्क करा गया है बिग बॉस के घर के अंदर। उस टास्क के दौरान जैसे नेताओं की रैली होती है, नेताओं को वोट मांगना पड़ता है, उस तरह से वो टास्क है। उस टास्क में ये दिखाया गया है कि जो घर के उपस्थित लोग हैं कहीं ना कहीं तक उन लोगों के आधार पर जो वोटिंग होने वाली है उस वोटिंग के मद्देनजर रखते हुए जो पर्सन को घर से बेघर करा जाएगा वो प्रणाली बिग बॉस ने बताई गई है। उस टास्क के दौरान ये है कि उस टास्क में 3 प्रमुख राउंड है। पहले राउंड में डिबेट करना है, जो भी नॉमिनेट पर्सन है वो एक दूसरे के प्रति डिबेट करेंगे। डिबेट का मतलब है उनकी बुराइयां बताएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, ताकि जिस तरह से नेता एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना मुद्दा रखकर कहीं ना कहीं तक अपने आप को बेहतर बताते हैं, वैसा करना है। जो ये 3 पार्टिसिपेटर है, नॉमिनेट पर्सन है, एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोलकर अपना जो मुद्दा है वो घर के सामने रखेंगे। भाई सेकेंड राउंड में जैसे कैंपिंग होती है, रैली होती है, उस तरह से ये रैली करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और लोगों का समर्थन अपने प्रति लेंगे। इसके बाद जो थर्ड राउंड है उसमें करेंगे एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में जैसे कि अपनी कुछ बातें लोगों के बारे में, जो घर में उपस्थित लोग हैं उनके बारे में अच्छी बातें बताएंगे, उनका मनोरंजन कराएंगे, ताकि उनका मनोरंजन होगा तो वो उनके मन को बदलेंगे और वो पर्सन जो घर में और पर्सन है नॉमिनेट के अलावा, वो पर्सन कहीं ना कहीं तक अपने वोट के आधार पर जो भी नॉमिनेट पर्सन है उनमें से किसी ना किसी को बचा पाएंगे। तो गाइस इस तरह से ये प्रणाली है बिग बॉस ने दी है। और 3 लोगों के सामने जो प्रमुख एजेंडा है वो ये है कि ये 3 लोग घर में उपस्थित लोगों में मैक्सिमम वोटिंग लाएंगे, तो वही पर्सन ने जो घर के अंदर रहेगा, बाकी बिग बॉस के साथ जाते हैं, जिसकी वोटिंग कम होगी वो यहीं से बेघर हो जाएगा। लेकिन ये जो भी होने वाला है ये होने वाला है कल वीकेंड के बाहर पे दोस्तों। तो देखा जाए तो आज का जो अहम मुद्दा है, अहम जो टास्क है, उस टास्क के बारे में हमें नहीं डालने वाला दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि टास्क का पहला राउंड था, जो भी नॉमिनेट पर्सन है वो एक दूसरे पे डिबेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तक पहले विशाल गया, विशाल ने शिवानी के ऊपर इल्जाम लगाया, कटारिया के ऊपर इल्जाम लगाया। इल्जाम कुछ ऐसे थे कि शिवानी पूरे घर में लोगों के पास जाकर बैठती है, यहाँ की बात वहां करती है। भाई कटारिया के ऊपर विशाल के इल्जाम ये थे कि छोटी छोटी बातों में कटारिया कहीं ना कहीं तक अपने काम गिनवाता है, ऐसे इल्जाम थे एक दूसरे पे लगाए उन्होंने। अपनी जो कैंपिंग के दौरान जो लोगों की बुराई करनी थी उसके दौरान, इसके बाद में कटारिया ने बोला विशाल के बारे में कि विशाल ऐसा बंदा है, जब विशाल के टाइम पे स्टैंड लिया कहीं ना कहीं तक अरमान मल्लिक और उसकी पत्नी के बारे में जो मुद्दा था कहीं ना कहीं तक, तो उस मुद्दे को लेकर विशाल उनको बुरा भला मानता है कहीं ना कहीं तक, और ये बोलता है कि कटारिया ने साथ नहीं दिया इस बात को लेकर। और साथ साथ कटारिया की मेरे को एक बात अच्छी लगी, कटारिया दिल का एक अच्छा इंसान है, वो जो भी बात करता है ऑन द स्पॉट करता है कहीं ना कहीं तक, मेरे को ये बात अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कटारिया ने यह बोला है कि वो लोगों के पास जाके सॉरी जरूर बोलता है जब उससे कोई गलती होती है, चाहे वो शाहिद केतन की हो या रणवीर सोरी की हो या अरमान मलिक की हो। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे को भी अच्छी लगती है कटारिया की। भाई शिवानी की, शिवानी ने कहीं ना कहीं तक घर की सारी पोल खोल दी, क्योंकि शिवानी दोनों ग्रुप में बैठती है, चाहे वो विशाल वाले ग्रुप की बात हो या फिर अरमान मलिक वाले ग्रुप की बात हो, तो इन दोनों ग्रुप की बातों में शिवानी को अच्छे से पता है कौन सा बंदा क्या बात किसके बारे में कहता है। भाई शिवानी ने खोल दी है पोल अरमान मलिक के सामने की विशाल आखिर कौन सी बातें हैं जो अरमान मलिक के लिए कहता है, रणवीर सोरी के लिए कहता है, शाहिद केतन के लिए कहता है। अगर देखा जाए इस जो बिगेस्ट बताने वाला ये जो टास्क था, इस टास्क में जो डिबेट थी कहीं ना कहीं तक शिवानी कुमार ने सबका दिल जीता है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि शिवानी कुमार ने वो बातें बताई हैं जो बातों को घर में उपस्थित लोगों को पता ही नहीं था, खासतौर से शाहिद केतन को, रणवीर शौरी को, अरमान को थोड़ा लगता था कि हाँ ये जो विशाल है कटारिया कहीं ना कहीं तक ऐसी बातें मेरे बारे में कर रहा होगा। तब बात करें सेकंड राउंड की, सेकंड राउंड में दोस्तों रैली की कैंपिंग थी, तो रैली की कैंपिंग में विशाल साथ साथ कटारिया और शिवानी लोगों के पास जाकर अपने अपने मुद्दे रखना था, उनको अपने
मुद्दे रहे कहीं ना कहीं तक। आज मैंने देखा है कि विशाल का दुगनापन किस तरह से आया, क्योंकि विशाल लोगों के पास जाके बैठा नहीं था शिवानी, जबकि कोई बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कल देखा जाए तो शिवानी की लड़ाई हो गई थी कृतिका से, इसके बाद भी उनके पास जाके बैठ रही है अरमान मलिक, उसका वर्कआउट कराता है, उसके पास अपने मुद्दे रख दिए कहीं ना कहीं तक जाकर। तो देखा जाए तो विशाल का दुगनापन आज तक तो किसी के पास बोल नहीं जाता था, चाहे कुशाई के तन हो या रणवीर सोही हो या अरमान मलिक हो, लेकिन आज जब उसको बचाने की बारी आई है वोटिंग के जरिए, तो कहीं ना कहीं तक अपनी कैंपेन अपनी वोटिंग को लेकर अपना जो मतदान है वो जाके लोगों से मांग रहा है कि मेरे को जिताओ, मेरे पक्ष में ज्यादा वोट डालो। तो ये गाइस कहीं ना कहीं एक तरह से दुगनापन जाहिर हो रहा। भाई बात करी जाए कटारिया की, कटारिया भी रणवीर सोही से सांसद साहब के तौर से बात नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो वो भी जा रहा है कि उसको भी लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे को बचाया जाए। भाई सुना मकबूल ने साफ मना कर दिया शिवानी कुमारी को कि वो शिवानी कुमारी को समर्थन दे, लेकिन निजी ने भी साफ मना कर दिया शिवानी कुमारी को समर्थन देने के लिए, क्योंकि शिवानी कुमारी लड़के लड़ने को तैयार है एकदम और तत्पर है। कहीं कहीं वो अपने अपने मुद्दे रख लिए कहीं ना कहीं, भाई कटारिया ने अपने अपने मुद्दे कहीं ना कहीं रखना है। भाई बात की जाए थर्ड राउंड की, जो कि एंटरटेनमेंट का राउंड था, कटारिया ने अच्छे से एंटरटेनमेंट किया लोगों को, साथ साथ कटारिया ने दिल की बात भी जाहिर की, उसने साफ साफ बोला सबको सॉरी बोला और बोला कि मैंने यहाँ पर घर में आकर बहुत से लोगों से बहुत सारी अलग अलग बातें की हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कटारिया के आंखों में कहीं ना कहीं तक आंसू आ गए, क्योंकि वो नम्र दिल इंसान है और सच्चा इंसान है। अगर जो भी सच्चा इंसान और नम्र दिल इंसान होता है कहीं ना कहीं तक उसके आंसू आ जाते हैं, उनका दिल नम्र होता है, जो दिल में होता है वो सामने बोल देता है लेकिन अपने अंदर कोई भी बात नहीं रखता है। इसी के बाद शिवानी ने भी अपना राउंड अच्छे से दिया, लोगों के प्रति स्नेह बटोरा और लोगों को बड़ाई करते हुए अपने टास्क को कम्प्लीट किया। भाई विशाल की बात की जाए, विशाल टोट कसता है, उसने भी राउंड में टोट कस दी इस राउंड में। तो गाइस ये सारे राउंड के बाद बिग बॉस ने जो एक्टिविटी एरिया है वहां पर कॉन्फ्रेंस जो हॉल है वहां पर बुलाया एक एक करके पर्सन को, और उन लोगों को वोट करके जिनका जिनका नाम जिसको वोट देना चाहता है उसका नाम लिखकर और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो अब गाइस देखने की बात यह है कि बिग बॉस ने साफ बता दिया कि उस बॉक्स को सेफ रखना है, और नॉमिनेशन का जो बॉक्स है, नॉमिनेशन के जो पर्सन है उनकी जिंदगी उस बॉक्स के अंदर बंद है, कौन सा पर्सन घर के अंदर रहेगा वो बॉक्स ही डिसाइड करेगा। तो वो बॉक्स डिसाइड करेगा कब, ये सबसे बड़ी बात है, वो बॉक्स डिसाइड करेगा वीकेंड के बाद में, और अनिल कपूर द्वारा ही वो नॉमिनेशन का जो टास्क है, नॉमिनेशन का जो पर्सन है उनको बाहर निकालने के पीछे का जो मुद्दा है वो वीकेंड के बाद में होने वाला है। अब देखने की बात दोस्तों ये है कि डिब्बे के अंदर जो मौजूदा तीन जो ये डोमिनेट पर्सन है, कटारिया, शिवानी और विशाल, तो इनमें से कौन सा पर्सन है जो घर के अंदर रहने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम वोट कहीं ना कहीं शिवानी ने सबके दिल जीत के लिए है। तो गाइस देखने वाला है कि वीकेंड के बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन सा शख्स इनमें से तीनों में से घर से बेघर होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे को लगता है कि विशाल घर से बेघर होने को तैयार है। तो गाइस मिलते हैं हम वीकेंड के बाद में, और साथ साथ अगली वीडियो में देखेंगे कि इनकी दोस्ती का राज और साथ साथ इनकी दोस्ती में कितनी दरार आने वाली है कटारिया और साथ साथ विशाल की, और कौन सा पसंद है जो घर से होगा बेघर। तो तब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त।